ओके हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास पहले है इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे वो प्रेफरेंस है चाहे इक्विटी है, इनफ्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने नए शेयर खरीदे, नहीं नए शेयर बेचे आपने मार्केट में और उससे पैसा आया आपके पास। अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, अगर ये बढ़ गए तो यहाँ आते हैं, अगर राइट ऑफ हो जाएं तो ऑपरेटिंग में जाते हैं, तो ये माइनस करेंगे, ये लॉस है। मतलब आपने शेयर बेचने थे तो उसके लिए जो अंडर राइटर को पैसे दिए वो लॉस है आपके लिए। ब्रोकरेज, अगर ये राइट ऑफ होती है तो ऑपरेटिंग में, अगर बढ़ गई तो यहाँ माइनस हो जाएगी। ओके, फिर कमीशन पेड, माइनस होती है। डिविडेंड पेड, माइनस होती है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो यहाँ माइनस होते हैं, राइट ऑफ हो जाए तो ऑपरेटिंग में प्लस होते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स जो भी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू तो क्या है, ये भी लॉस है हमारे लिए। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये बढ़ जाए तो प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास। फिर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आपने नए डिबेंचर बेचे तो यहाँ पे प्लस होएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है। ओके जी, ये फाइनेंसिंग, ये इस तरीके से ये एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सारे हैं एलिमेंट्स इसके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। इलस्ट्रेशन नंबर 28, ठीक है जी, अब आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके, हाँ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गई, ठीक है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितनी है, 0 से 2 लाख से 0, तो ये रिडीम हो गए। ओके, फिर है आपके पास ओके, 2 लाख आ गए यहाँ पे।
अब आ जाओ 14% डिबेंचर्स। फोर्टीन परसेंट डिबेंचर्स हैं, कितना आ गया आपके पास? 1 लाख, 0 से 1 लाख, तो 1 लाख के डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं। ओके, ये तो आपके पास आ गया। अब देखो, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। ओके, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो आपने कितने, 6 लाख पे प्रीमियम लगा दो, ठीक है? 6 लाख पे प्रीमियम लगा दो, तो 6 लाख से, क्योंकि 8 लाख हुए थे इश्यू ऑफ शेयर्स, हमें ये नहीं पता कि कब आपने इश्यू किए हैं, तो आखिरी दिन पे इश्यू मान लेंगे, तो 6 लाख पे प्रीमियम आपने दे दिया 15%। ओके, कितना हो गया? 90,000। क्लियर? फिर आ जाओ, आपके पास दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडीम एट ए 2 लाख से 0 हुआ, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हमारे लिए लॉस हो गया। 2 लाख पे कितने परसेंट प्रीमियम है? 5%, तो 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये 10,000 आ गया। फिर आपके पास क्या है? 14% डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। डिस्काउंट ऑन इशू, तो ये जो डिबेंचर्स थे 1 लाख वाले, ये 1% डिस्काउंट, तो 1 लाख पे 1% कितना हो गया? 1,000। ओके, ये आ गया आपके पास। फाइन, फिर आपके पास ये माइनस कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। फिर आपके पास क्या है? डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड 24,000 माइनस कर देंगे। फिर है इंटरेस्ट पेड, ओके, कितना है? 14,000, ये माइनस कर देंगे। फिर है अंडर राइटिंग, ठीक है जी, 10,000, ये माइनस कर देंगे। फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर 31 मार्च 2000। अब यहाँ पे क्या है कि प्रपोज डिविडेंड जो आपने पे कर दिया, अभी जो करंट ईयर का है वो तो प्रपोजिशन है, उसका कुछ नहीं किया। जो नया AS4 आया है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि वी आर गोइंग टू ट्रीट ओनली द प्रीवियस ईयर, बिकॉज उसको पे कर दिया है आपने, उसको यूज कर दिया। आने वाले टाइम की अभी प्रपोजिशन है, उसका यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पे यही वाला प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में हम प्लस करते हैं, और यही वाला ऑपरेट प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, तो ये आपके पास आ गया है। क्लियर? तो अब देखो, 2 से 2 लाख गए, 1,90,000 में से 10 गए, 1,80,000, 1,80,000 तो यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 1,48,49, 180 में से 149 निकाल दो, है ना?
देखो 1 लाख, ये 1 लाख आ गया, 38, 39, 49, 190, 14%, 6 लाख पे हमने गड़बड़ कर दी। 6 लाख पे नहीं लगना था, प्रीमियम लगना था, एडिशनल पे लगता है 2 लाख पे, ये गलती करते हैं। हाँ जी, प्रीमियम सिर्फ जो एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं उस पे लगना था। तो 1/30 में से कितने रह गई है, 149, तो 19,000 नेगेटिव। फिर ये आ गया कैश आउट फ्लो। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे। देखो अब इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ओके जी, अब हमारे पास क्या है, पहले तो हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, यहाँ डिटेल लिखते हैं। ओके, अब देखिए टैक्स का कहीं पे है नहीं है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंपली कितना है हमारा, 8 लाख से 4 लाख से 8 लाख हो गया, तो 4 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, हाँ जी, एडजस्टमेंट क्या है, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कितना है, 20 लाख से 30 लाख हो गया। ओके, तो जो डिविडेंड है वो किस पे देंगे, हमने ये नहीं पता है कि शेयर्स कब इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31, न्यू शेयर्स इशूड एट 31 मार्च 2016। तो देखो इंटरिम डिविडेंड तो स्टार्टिंग डिविडेंड तो स्टार्टिंग वालों पे दिए जाएंगे, क्योंकि वो पूरे साल 20 लाख रहे हैं। कितने परसेंट है इंटरिम डिविडेंड आपके पास, 8%, तो कितना आ गया, 1,60,000। ठीक है जी, अब प्रीमियम है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है आपके पास, वो तो उस पे आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 95 है, ये तो उसमें जाएगा आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर कैपिटल भी उसी में 10% डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड आ जाओ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना आ गया, 10 लाख पे 10%, तो कितना आ गया, 1 लाख 10,000 और हाँ 1 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट पेड आपका। अब और कुछ रह गया हमारे पास, 20,000 ये आ गया। अब 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स
ओके, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड 31 मार्च को, और तो मतलब उस पे सारा साल ही रहा है प्रेफरेंस शेयर्स पे। डिविडेंड आपका कितना आ गया देखो, 2,20,000 रुपये, ये आ गया 2,80,000, तो ये आ गया 6,80,000 रुपीज। ओके, तो ये तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपके पास कोई इसमें वो नहीं था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है, तो इसे ही फाइनल मानेंगे। तो ये तो एक आ गया आपके पास ऑपरेटिंग। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग पे। फाइनेंसिंग में पहले इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 20 लाख से 30 लाख, 10 लाख हो गए। इंटरिम डिविडेंड पेड 1,60,000 कर देते हैं, 1,60,000। फिर है 8% प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है, 1 लाख रिडीम है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 5%, तो कितने हो गए, 1,05,000 रुपये हो गए। क्योंकि 1 लाख रुपए तो 2 लाख से 1 लाख हो गया, 1 लाख तो रिडीम हुआ, और वो रिडीम हुआ कितने, 5% प्रीमियम पे। ओके, तो 5% और ऐड करके वो लॉस हो गया हमारे लिए। फिर आ जाओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास, फाइन। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो फ्रेश शेयर इशू किए हैं वो कितने पे इशू किए हैं, 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम ऑन इशू कितने हुए, 20 से 30 लाख गए 10 लाख, इस पे 10% प्रीमियम, तो मतलब 1 लाख रुपए। ठीक है, ये आपके पास आ गए। अब देखो, वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है वो 95,000 है। क्यों, क्योंकि 1 लाख तो इशू पे है, 5 लाख रिडम्पशन पे गया, तो नेट कितना बच गया, 95,000, वो बुक्स में शो किया हुआ है आपका। तो अब दोबारा नहीं उसको यूज करोगे, ये वाला आपका ट्रीटमेंट हो गया। प्रीमियम ऑन इश्यू आपके पास 1 लाख आ गया, और रिडम्पशन पे आपका प्रीमियम 5,000 है। ओके, अब आ जाओ, आपके पास ये फ्रेश शेयर्स हो गए, इंटरिम डिविडेंड हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। अब 10% डिबेंचर्स, तो वो ही है इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड कितना है, 1 लाख रुपए का माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 20,000, वो माइनस कर देंगे, तो नेट अब यहाँ पे आ गया कितना, 10 लाख ये आ गया, ये 1 लाख आपस में कट गया, 2,65,000, तो 10 में से 2 गए 8, 60 गए 740, और 735, और 715। ओके, तो 7,15,000 का इनफ्लो हो गया। तो ये आपके पास है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 30 में देखो क्या है आपके पास, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है।
है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख से 30 लाख रुपए, तो इश्यू ऑफ शेयर्स कर लें 20 लाख से 30 लाख, 10 लाख रुपए आ गए। 12% डिबेंचर्स 3 लाख से 0 हो गए, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स माइनस 3 लाख हो गए। मैं एडजस्टमेंट्स पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बाद में देखते हैं। नीचे 10% डिबेंचर्स हैं 0 से, ये आ गए इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स 0 से 5 लाख, तो ये आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 80 हज़ार हो गया, तो कम हो गया आपके पास। ओके, पे ऑफ कर दिया आपने। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये कहीं और नहीं यूज होती। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ओके, तो आपने बोनस शेयर्स इश्यू कर दिए, तो बोनस शेयर्स जो आपके पास हैं, अब देखो वो क्या कह रहा है कि हर एक शेयर पे उसने कितने शेयर, इन द रेशियो 1:2, 1:2 में आपको शेयर्स इशू कर दिए। ओके, तो अब जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, तो हर एक दो शेयर्स के पीछे एक शेयर दे दिया है, तो ये जो एस्पेक्ट हम दे रहे हैं ये एक्चुअली कैश में नहीं इशू किया हुआ, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि अगर कैश में आया होता, कैश आया होता तो हम इनफ्लो मानते। अब क्या हुआ है कि 20 लाख से कितने हो गए हैं, 30 लाख हो गए हैं। एक्चुअली हमने कोई बोनस दिया था, तो हर दो शेयर पे एक, मतलब अगर 20 लाख हैं तो हर दो शेयर पे कितने मिलेंगे, एक शेयर मिलेगा, तो मतलब 50% हो गए। 10 20 लाख का 50% आपने बोनस में दे दिया, तो 20 लाख पहले तो थे, और 10 लाख के नए बोनस में इशू किए हैं, उसमें कोई आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब कितने दिखाई दे रहे हैं, 30 लाख रुपीस। तो इसलिए ये आप जो एंट्री किया हमने इशू ऑफ शेयर्स, ये यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ओके, ये पहली एडजस्टमेंट का कहना है। ओके, ये चीज है आपके पास। अब दूसरा आ जाओ कि 12% डिबेंचर्स हैं वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई। ओके, 1 जुलाई 2017 को आपने रिडीम कर दिए, तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, आपने उनको रिडीम कर दिया, कितने के हैं, 12% डिबेंचर्स हैं। ओके, तो अब आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 महीने का × 3/12, तो ये तो आपके पास आ गया 9,000 रुपये। तो इंटरेस्ट पेड कितना है इस पे, इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स 9,000, ये माइनस कर देंगे। अब बाकी जो नए इशू हुए हैं वो कितने पे इशू हुए हैं, डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, तो 0 से 5 लाख थे, तो 5 लाख पे पहले तो 5% का डिस्काउंट काट लो, 25,000 रुपये, ये तो डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू कितना, 25,000, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 10%, ठीक है, ये आपके पास है।
अगला क्या है कि 5 लाख पे इंटरेस्ट पे किया है 10%, कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, ठीक है। तो ये दो गए तो 50,000 इंटू 3/4, ये 12.5। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स 37,500। ओके, ये आपके पास आया। अब आगे देखो, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 8% है ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब ऑन इक्विटी शेयर फॉर, तो 8% किसका आएगा, क्योंकि हमने नया, तो ये 31 मार्च को इश्यू हुआ है, तो 20 लाख पे आपका कितना है, 8% डिविडेंड, तो कितना आ गया, 1,60,000, ये माइनस कर देंगे। फिर है आपके पास इंटरेस्ट पेइंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है, 10,000। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो टोटल कर लेते हैं, 3 लाख और 5, 2 लाख रह गए। अब ये कितने हैं, 2 लाख में से 1,60 गए, 40 रह गए, 40 में से 37,500 गए, 2,500 रह गए, और 10,000 में 7.5 रह गए, ठीक है, 7.5 और 32 और 20, 52 और 9, 61,000। ये है आपका कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है जी। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 30। ओके जी, अब एक और इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 31। ओके, तो क्या है, अब इसमें हमें कैलकुलेट करने को कहा है उन्होंने, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो देखो पहले है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो कितना है हमारे पास, देखो प्लांट एंड मशीनरी था कितना, 5,60,000। पहले तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 5,60,000। बाय बैलेंस कितना, 6,80,000, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन अकाउंट नीचे बना लेते हैं, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, 148, बैलेंस कैरेट डाउन 170, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी 1,20,000 रुपए की, ओके, वो बेची गई है कितने पे, प्रॉफिट पे, ये बेची गई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैंक 1,35,000, टू गेन ऑन सेल 15,000, ठीक है जी।
अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 50,000। ये पी एंड एल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, 50,000। ये कितना गया, 1,98,000। 170 था, 2 मशीन कितना हो गया, 28,000। और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे 28,000, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6,80, 7,80, 7,80 और 50, 8,30 और 8,43। ठीक है जी, 8,43 में से 5,75 निकाल दो, 8,43 में से 5,75, 13 में से 5 गए, 8, 1, ये 3 रह गया, 6 और 7, 268, 268,000 आपके पास क्या आ गई, परचेजेस आ रही हैं। कास्टिंग सोल्ड एट प्रॉफिट, ठीक तो है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ करती है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखाई हमने मशीन में, ये जो 28,000 हैं ये इसमें से निकलने थे क्योंकि एक पार्ट ऑफ मशीन है ना, तो ये आ गया था आपके पास 92,000। अब इस पे प्रॉफिट 15,000 का लगाया तो ये 107 में गई है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना था, 107 लिखना था, ये गलती कर दी। ठीक है जी, 120 की मशीन थी जिसको हमने 15,000 प्रॉफिट पे बेचा, मगर हमने डेप्रिसिएशन तो काउंट की नहीं उसकी, डेप्रिसिएशन कितनी थी, ये 28,000 ऑन दैट पार्ट ऑफ मशीनरी। तो 1:20 की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू में से 28,000 रुपये माइनस कर दिए, ये आ गई हमारे पास, और ये वैल्यू की कॉस्ट हमने कितने पे बेची थी, 15,000 प्रॉफिट पे, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 2,40,000। अब यहाँ पे लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने के, 2,40,000। ओके, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने लिख देंगे, 1,60,000। ओके जी, ये आपके पास आ जाएंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड है नहीं, तो ये आ गया आपके पास 1,33,000, दैट इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड कितना है बैंक लोन पे, ये है 30,000, तो इसे माइनस कर देते हैं। डिविडेंड पेड कितना है, 80,000, इसे माइनस कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो गए। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए के हो गए। लोन फ्रॉम बैंक 1.5 लाख से 2 लाख हो गया। इश्यू ऑफ लोन 50,000 का फायदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब और कुछ नहीं है,
2.5 लाख में से 1/10 निकाल दो, तो 1/40 आ गया। ये आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके सो दिस इज